Hello, dear parents and students. I hope you all are very well at your place. आप सब लोग बहुत अच्छे से हो, ऐसी मेरी कामना है. Today we are going to talk about class 3 English chapter 9, मधुर विश, मधु की इच्छा. तो मधु जो है एक बच्चा है और उसकी क्या इच्छा है और उस इच्छा को पूरी करने में उसको आगे जाकर क्या प्रॉब्लम होती है और वो क्या सीखता है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मधु विश, मधु लव फूड. तो मधु को खाना बहुत पसंद है. ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड स्नैक्स. और उसको हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए मजेदार चाहिए होता है. ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग. और वो कभी भी खाते खाते थकता नहीं है, मतलब उसको खाना बहुत ज्यादा पसंद है. एवरी डे एट नून ही वुड सिट अंडर अ बनियन ट्री एंड ईट हिज लंच. और हर रोज दोपहर में वो क्या करता है, वो एक बनियन ट्री, बनियन ट्री क्या होता है, बरगद का पेड़, उसके नीचे बैठकर अपना लंच करता है. वन डे एज ही वॉज ईटिंग एन ओल्ड मैन केम. तो एक दिन जब वो खाना खा रहा था बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के, तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया. मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम. तो मधु को उस पर बहुत दया आई और उसने अपना खाना उसके साथ शेयर किया. द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट ही वॉज एज ही वॉज लिविंग ही सेट माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनी थिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड. मधु फेल्ट वेरी हैप्पी. तो वो जो बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो बहुत खुश हुए मधु से, क्योंकि उन्होंने उसने उनको खाना शेयर किया था उनके साथ. तो जाते जाते उन बूढ़े बाबा ने ये कहा कि मेरे बच्चे, तुम जो हो तुम बहुत ही दयालु हो, बहुत ही अच्छे हो. बदले में ऐसा करते हैं, तुम इस पेड़ से कोई भी विश मांग लेना और ये पेड़ तुम्हारी उस विश को पूरा कर देगा. तो मधु बहुत खुश हुआ. What do you think मधु will do now? क्या लगता है आपको मधु अब क्या मांगेगा? उसको क्या पसंद है? खाना. तो वो क्या मांगेगा? खाना. He thought I can ask for different types of food and enjoy them forever. तो उसने सोचा कि मैं अलग-अलग तरह के खाने मांग लेता हूँ और मैं उन खानों को हमेशा enjoy करूँ. He sat there and closing his eyes said. तो वो वहाँ पर बैठ गया और आंखें बंद कर उसने कहा, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. के हे पेड़, मुझे अलग अलग तरह के खाने दे दो. नथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री. फिर उसने एक पेड़ की आवाज सुनी, यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स. क्या तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए? थिंक इट ओवर, फिर से सोचो. विदाउट थिंकिंग मधु सेड नथिंग एल्स. और बिना सोचे समझे मधु ने कह दिया, नहीं नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अलग अलग तरह के खाने दे दो बस. फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डू. सबसे पहले उसने क्या मांगा? लड्डू. एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डू अपीयर्ड. और जैसे ही उसने लड्डू मांगे, उसके सामने लड्डू से भरी हुई एक टोकरी आ गई. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब वो कुछ और मांगेगा, क्योंकि उसका तो पेट भरता ही नहीं है. ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग It after some time he got bored. और उसको कुछ देर खाने के बाद वो बोर हो गए. Then he thought of colorful fruits. फिर उसने सोचा कि अब कुछ रंग बिरंगे फ्रूट्स मांग लिए जाए. Immediately fruits in baskets appeared. और फिर उसके सामने एक फूलों की टोकरी आ गई. He started eating them. फिर वो उनको भी खाने लगा. There were grapes, mangoes, apples, bananas, jackfruit, melons, guavas, oranges and many more. और क्या क्या नहीं था वहां पे? अंगूर थे, आम था, सेब था, बनाना था, जैकफ्रूट था, वाटरमेलन था, मस्क मेलन था, अमरूद थे, ऑरेंज था, बहुत कुछ. Then he got bored eating only fruits. तो फिर वो फ्रूट्स खा खा के भी बोर हो गया. He asked for savories. अब उसको कुछ नमकीन चाहिए था. सेवरीज क्या होता है? ये जो कचौरी और समोसे आप खाते हो ना, दबा दबा के कचौरी, समोसे, वड़ा पाव और पोटैटो के चिप्स, ये सब जो है सेवरीज कहलाती है, नमकीन चीज. इमीडिएटली सेवरीज लाइक मटरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट. और बड़ी उसी बास्केट में ये सब कुछ उसके सामने आ गया. He happily started eating them. और उसने खुशी खुशी उनको खाना चालू कर दिया. As he was eating,
ही सडनली गॉट हिकअप्स, और जैसे ही वो खा रहा था एकदम से अचानक क्या हुआ, हिचकी हिचकी, ही वॉन्टेड वॉटर, और उसको अब क्या चाहिए था, उसको चाहिए था पानी। He looked around, उसने इधर उधर देखा, there was food everywhere but no water. अब चारों तरफ खाना ही खाना था लेकिन पानी नहीं था। He asked for water but the tree said you wanted only food not water. तो ट्री ने उसको पहले भी कहा था कि सोच लो तुम्हें सिर्फ खाना ही चाहिए क्या। अब ट्री ने कह दिया कि तुमने तो सिर्फ खाना ही मांगा था, खाना मैंने तुमको दे दिया, तुमने पानी मुझसे मांगा ही नहीं था। So what if I don't get water, I will have sherbat, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट मधु। अब मधु को लगा वो बड़ा स्मार्ट है, उसने सोचा ठीक है आप मुझे पानी मत दो, आप मुझे शरबत दे दो, आप मुझे खीर दे दो, बादाम का दूध दे दो, मैं तो वही पी के प्यास बुझा लूंगा। और सून ऑल दीज थिंग्स अपीयर्ड इन जग्स, और फिर जग भर भर के ये सारी चीजें उसके सामने आ गई। मधु ड्रैंक देम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। अब मधु ने ये सब पी लिया, बादाम का दूध पी लिया, शरबत पी ली, खीर पी ली, लेकिन उसकी जो हिचकियां थी वो रुकी नहीं। दे बिकेम लाउडर, ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, और वो हिचकियां और ज्यादा बढ़ गई, अब उसको पानी की बहुत सख्त जरूरत थी। ही प्रेड टू द ट्री, मे ऑल दिस वुड डिसअपीयर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, ऐसा करो ये सारा खाना वापस ले लो लेकिन मुझे पानी दे दो। आर यू श्योर, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड। तो फिर ट्री ने फिर पूछा कि तुम श्योर हो कि तुम्हें सिर्फ पानी चाहिए। यस आई एम श्योर, नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो वो कहता है कि हाँ अब मुझे समझ में आया कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई भी दूसरा ड्रिंक पानी को बदल नहीं सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। प्लीज गिव मी जस्ट वाटर, मुझे सिर्फ पानी दे दीजिए। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो He had never seen water. His hiccup stopped. He was no longer thirsty. और तभी उसके सामने एक जग आ गया पानी से भरा हुआ। जो मधु था वो बहुत प्यासा था, उसने उस पानी को पिया और उसकी हिचकियां रुक गई, अब उसको प्यास नहीं लग रही। तो ये स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में सबसे पहला है फॉर एवर, इमीडिएटली, अपियर्ड, सेवरीज, हिकअप्स, डिसअपियर, इंस्टेड, रिप्लेस और थर्स्टी। तो फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, इमीडिएटली का मतलब होता है एकदम से या तुरंत, अपियर्ड का मतलब होता है दिखाई देना, सेवरीज का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है स्वादिष्ट, है ना, आप नमकीन चीजें भी लिख सकते हैं। हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, जैसे मुझे इसकी बजाय ये, मुझे कॉफी की बजाय चाय दे दो, तो इट्स लाइक दैट इंस्टेड। रिप्लेस मतलब बदल जाना या जगह ले लेना, और थर्स्टी का मतलब प्यासा, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। व्हाट डिड मधु एंजॉय, मधु को क्या पसंद था, उसको खाना पसंद था। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, हाउ डू यू नो, कि आपको लगता है कि जो बाबा जी थे उनके पास जादुई ताकत थी, आपको कैसे पता। तो हाँ उनके पास मैजिकल पावर्स थी, तभी तो उन्होंने जो मधु है उसकी एक विश को पूरा किया था। व्हाट डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश, व्हाई डिड, क्यों कहा था मधु को ट्री ने कि वापिस सोचो, क्योंकि मधु ने सिर्फ खाना मांगा था, पानी तो मांगा ही नहीं था, और पानी बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। फोर्थ है नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट, क्या क्या खाया मधु ने, बहुत सारी चीजें खाई, सबकी लिस्ट हम यहाँ पर लिख। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, मधु ऑलवेज एंजॉयड फूड। डू यू थिंक ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, यस ही हैड मैजिकल पावर्स बिकॉज ही ग्रांटेड अ विश टू मधु। व्हाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश, द ट्री आस्क दैट बिकॉज टू लिव वॉटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइक फूड, जिंदगी जीने के लिए पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खाना। और मधु ने क्या क्या खाया, मधु ने लड्डू खाए, फ्रूट्स खाए और उसने सेवरीज खाई। देन थिंक एंड से हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स, क्या आपको कभी हिचकी आई है। आई एम श्योर हम सबको कभी ना कभी हिचकी जरूर आती है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, जब आपको हिकअप्स आते हैं, हिचकी आती है, तो आप क्या करते हो, पानी पीते हैं। डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट, हाँ पानी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाई डू यू थिंक सो, क्योंकि पानी के बिना हमारी कोई लाइफ ही नहीं है, हम पानी के बिना ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते।
इफ यू वर इन मधुस प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड व्हाई। अगर आप मधु की जगह होते तो आप क्या विश करते। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं मधु की जगह होता तो मैं खाना भी मांगता, पानी भी मांगता, मम्मी पापा भी मांगता, फ्रेंड्स भी मांगता, बहुत सारी खुशियां मांगता। क्योंकि अगर मांगना ही है तो सब कुछ मांग लिया जाए ना, जिंदगी जीने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है। तो इनके आंसर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, हैव यू एक्सपीरियंस हिकअप, यस। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, आई ड्रिंक वाटर। डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट, वाई डू यू थिंक सो, यस वाटर इज इम्पोर्टेंट टू लिव, वी नीड वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज इन अ डे, मैनी एक्टिविटीज। अगर आप मधु की जगह होते तो आई वुड हैव विश्ड फॉर फूड, वाटर, गेम्स भी मांगता, पेरेंट्स भी मांगता, बिकॉज फॉर अ हैप्पी लाइफ मैनी थिंग्स आर नीडेड। सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा ना, अच्छी जिंदगी के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। नेक्स्ट पेज क्या है, मधु एंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स, राइट देम इन करेक्ट बास्केट, हेल्प बॉक्स। बनाना, खीर, मेलन, गुआवा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, लड्डू, वड़ा, जैक फ्रूट और समोसा। तो यहाँ पर हमें कैटेगरीज दिए हैं, ये फ्रूट, स्वीट्स और सॉल्टी स्नैक्स, यानी कि सेवरीज में हमें इनको कैटेगराइज करना है। मतलब बनाना कहाँ जाएगा फ्रूट में, खीर कहाँ जाएगी स्वीट में, मेलन कहाँ जाएगा फ्रूट में, गुआवा फ्रूट, कचौरी सॉल्टी स्नैक्स। तो इन सबको हमने इस तरह से लिख के क्लियर रखा है। अब आप देख लो, ये है सारे फ्रूट्स में है बनाना, मेलन, गुआवा और जैक फ्रूट। स्वीट्स में है खीर और लड्डू, और कचौरी, वड़ा, पोटैटो चिप्स और समोसा है सॉल्टी स्नैक्स में। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज काइंड। तो जो अपना खाना शेयर करता है वो कौन होता है, काइंड इंसान होता है। तो अब आप देखो, आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज काइंड। तो क्या क्वालिटी है मधु की, कि वो काइंड है। मधु वॉन्टेड टू ईट एवरीथिंग, वो हर चीज खाना चाहता था, ही इज ग्रीडी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या पता लग रहा है, ये सारे क्या है बेटा, ये है एडजेक्टिव ना, कि वो मधु कैसा बच्चा था। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, तो वो कैसा था, वो ही इज जेनरस, वो कैसा था, दयालु था। तो आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रेव, पोलाइट, सेल्फिश और लेजी। ब्रेव का मतलब है बहादुर, पोलाइट का मतलब है दयालु, सेल्फिश का मतलब है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और लेजी का मतलब है आलसी। प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन, वो अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो वो क्या है, वो सेल्फिश है। द वुमन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर, और जो आंटी है, औरत है, इसने बच्चे को बचाया रॉबर से, तो वो कैसी है आंटी, वो ब्रेव है, शी इज ब्रेव। अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग, पूरा दिन भर बिस्तर में पड़े रहता है, तो अद्वैत क्या होगी, शी इज लेजी। फोर्थ है प्रेरणा, ऑलवेज विशेज एवरी वन इन द मॉर्निंग, तो वो सबके लिए दुआ मांगती है, प्रार्थना करती है, तो शी इज पोलाइट। आगे देखते हैं क्या है, डी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइए पढ़ते हैं। सैम इज वॉचिंग टीवी, तो सैम जो है वो टीवी वॉच कर रहा है। ओके उसके बाद प्रथम इज वॉचिंग टीवी, प्रथम जो है वो टीवी देख रहा है, तो दोनों ही टीवी देख रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों सैम और प्रथम दोनों ही टीवी देख रहे हैं। तो बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, वो दोनों एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं। द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इंटू अ सिंगल सेंटेंस, और इस तरह दो सेंटेंस को मिलाकर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। वो सेंटेंस क्या बनेगा, सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब यहाँ तीन है, अमन हैज अ पेन, अमन हैज अ पेंसिल, अमन हैज एन इरेजर। अब इन तीनों को अगर हम एक साथ ही लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, सभी में अमन है, तो जो हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें अमन एक ही बार आएगा। देखो ये रहा अमन, अमन अमन हैज अ, ये सब में है अमन हैज अ, अमन हैज एन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमन हैज अ, फिर बचा क्या हमारे पास, पेन, पेंसिल एंड इरेजर, तो हम लिख देंगे अमन हैज अ पेन कॉमा अ पेंसिल एंड एन इरेजर। तो अब यहाँ पर दे रखा है, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, जैसे सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, सैम जो है दिन में काम करता है, प्रथम वर्क्स एट नाइट, और प्रथम जो है वो रात को काम करता है। अब काम तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन ये देखो जो मैंने बोला ना, लेकिन यहाँ पर लेकिन आया, तो इन दोनों के लिए हम जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे,
सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, बट का मतलब हो गया लेकिन, लेकिन प्रथम वर्क्स एट नाइट। तो कई बार हमें सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एंड यूज करना पड़ता है, और कई बार हमें सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए बट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी कुछ सेंटेंसेस हमें मिलेंगे और हमसे पूछा गया है कि आप इनको करके दिखाओ। जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या है, आई ईट एन एप्पल फुल स्टॉप, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट अ पीच। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आई ईट आई ईट आई ईट। तो एक बार लिख दिया आई ईट एन एप्पल कॉमा एन ऑरेंज कॉमा एंड अ पीच, और हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो इसी तरीके से आगे हमें कई सेंटेंस मिले हैं, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज। अब यहाँ अलग अलग है तो हम बीच में लगाएंगे बट। तो कैसे लिखेंगे, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवी। अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल। अब दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो यहाँ लगेगा एंड, तो हम लिखेंगे अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल, और इसके आगे लगा देंगे फुल स्टॉप। फोर्थ है, डोलमा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक, शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। डोलमा को एक कॉमिक बुक चाहिए, उसने अपनी सारी पैसे जो है वो मिठाई पर खर्च कर दिए। तो अब यहाँ पर एंड आएगा या बट, उन्होंने हमें हेल्प के लिए दिया है कि यहाँ बट आएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डोलमा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक बट शी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट। फिफ्थ वाला क्या है, यहाँ पर भी हमें बट का यूज करना है। सेंटेंस क्या है, राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क, राजेश को पार्क जाना है। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, लेकिन उसने अपना काम खत्म नहीं किया है। तो हम कैसे लिखेंगे, राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क बट ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, लिसन केयरफुली एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। मधु सेड ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड नथिंग एल्स। तो फिर इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था कि ट्री ने कहा था एक बार फिर से सोच लो कि तुम्हें सिर्फ खाना चाहिए या कुछ और भी चाहिए। एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स, ही वॉन्टेड वाटर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने पेड़ से बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो उसने बोला पेड़, तो पेड़ ने बोला तुमने पानी तो मुझसे मांगा ही नहीं था, तो मैं पानी तुमको नहीं दे सकता। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। तो एक इन्होंने हमें ये दिया है, विजया इज अ यंग गर्ल, शी लिव्स विद हर फादर मदर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन ए स्मॉल विलेज ईच डे। अब यहाँ पर इसके बाद इन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी, तो मैंने आपके लिए एक स्टोरी बनाई है, देखो इसको क्या है। विजया एक यंग गर्ल है, वो अपने पापा मम्मी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ विलेज में रहती है। ईच डे विजया वॉचेज द सनराइज, हेल्प्स हर मदर एंड प्लेज विद हर काफ रानी। तो विजया जो है वो हर रोज सुबह सूरज को उगते हुए देखती है, अपनी मम्मी की हेल्प करती है, और अपने जो गाय के जो बछड़ा है उसके साथ खेलती है, जिसका नाम उसने रानी रख रखा है। शी लव्स लिसनिंग टू हर ग्रैंड मदर स्टोरीज अबाउट हीरोज एंड मैजिक, और उसको बहुत पसंद है जब उसकी दादी अम्मी दादी माँ उसको स्टोरी सुनाती है हीरोज की और जादू वाली कहानियां सुनाती है। अ शाइनी स्टोन बाय द रिवर, एक दिन उसको रिवर के पास एक चमकीला पत्थर मिलता है। हर ग्रैंड फादर सेज इट इज अ लक्की स्टोन, कीप इट सेफ। तो उसके दादाजी क्या बोलते हैं कि ये तो बहुत ही लक्की स्टोन है, इसको हमेशा सेफ रखना, बचा के रखना। विद्या कैरीज इट एवरीवेयर फीलिंग ब्रेवर एंड हैप्पियर ईच डे। अब विद्या जो है वो हमेशा उस पत्थर को अपने पास रखती है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, उसको लगता है कि वो ब्रेव है और ज्यादा खुश है। तो ऐसे ही कोई भी कहानी आप अपनी मर्जी से इस पेज पर बनाकर और लिख सकते हैं। मैंने आपको सैंपल के तौर पर एक कहानी यहाँ पर बता दी। अब फन विद वर्ड्स में देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले देखिए इस ट्राइंगल के सबसे ऊपर है कैरेट्स, फिर सेकंड वाले में क्या है कट कैरेट्स, और थर्ड वाले में क्या है चंदू कट कैरेट्स। तो यहाँ पर देखो आप, कैरेट का सी, कट का सी, कैरेट का सी। तो आप देखो यहाँ पर जितने भी इन्होंने लिखा है, लास्ट वाला सेंटेंस उसका सारे लेटर्स जो फर्स्ट लेटर है वो सी है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी। उसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल और दी, एप्पल्स एट एप्पल्स, अन्नू एट एप्पल्स। अब यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी सारे फर्स्ट
लेटर जो है हर वर्ड के वो है ए। अब इन्होंने हमसे एक ऐसा मांगा है कि तुम भी मुझे एक ऐसे करके दिखाओ। तो मैंने देखो आपके लिए क्या बनाया, मैंने बनाया बुक्स, फिर बनाया बॉट। बॉट बुक्स का मतलब है बुक्स खरीदी। किसने खरीदी? भूमिका ने। तो यहाँ पर सब देखो सबके फर्स्ट लेटर है बी। सो भूमिका बॉट बुक्स, दैट मीन्स द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज बी। आगे देखते हैं, रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट देम। अब मधु जो है शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज, क्यों शेयर किया था? ही वॉज अ काइंड बॉय, इसलिए शेयर किया था। सेकेंड है, मधु वॉज हैप्पी, क्यों था हैप्पी? बिकॉज ही वॉज ग्रांटेड अ विश ऑफ अनलिमिटेड फूड, क्योंकि उसको अनलिमिटेड खाना मिलने का जो है वरदान मिल गया था। आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज, क्यों मांगी थी उसने नमकीन चीजें? बिकॉज ही वॉज बोर्ड ऑफ ईटिंग स्वीट फ्रूट्स। मधु आस्क्ड फॉर वाटर, क्यों मांगा उसने पानी? बिकॉज ही गॉट हिकअप्स आफ्टर ईटिंग सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें खाने के बाद उसको हिचकी तो आनी ही थी। लेट अस मेक अ टेबल मैट, अब आप क्या करोगे, ऐसे कोई भी एक वाइट शीट लेके और बड़ा सा उस पर प्रिंट लेके और फिर आप ये छोटे छोटे टुकड़े ऐसे लेना रेड कलर के और उसको चिपकाते रहना उसके ऊपर, ठीक है? ऐसे रेड कलर का टुकड़ा एक लिया, फिर दूसरा टुकड़ा लिया, फिर तीसरा टुकड़ा लिया, ऐसे करके इस तरह से आप फिगर बनाओगे और येलो लोगे तो आप मैंगो बनाओगे। तो ये है वो तरीका यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि किस तरह से आप ये सारी चीजें ग्लू की मदद से और पेपर की मदद से बना सकते, ठीक है? तो इस चैप्टर में इतना ही था मेरे दोस्तों। ये लड़की जितनी खुश है केक खा के, आई होप कि आप लोग भी उतने ही खुश रहे हमेशा। लेकिन मम्मी पापा का कहना हमेशा मानना है। जो बच्चे मम्मी पापा का कहना नहीं मानते उनके दांत सड़ जाते हैं, एकदम काले हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना जरूर माने, और हाँ जब भी कोई दिक्कत हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।